न्यूज 11 भारत ने बिजली में टैरिफ के लूट की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसे लेकर मामला एसीबी तक पहुंचा। विद्युत नियामक आयोग के पूर्व चेयरमैन अरविंद प्रसाद ने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। अब इस मामले को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी आवाज उठाया है। न्यूज 11 भारत ने दिखाया था कि कैसे विद्युत नियामक आयोग के तत्कालीन चेयरमैन अरविंद प्रसाद ने अपने सहयोगी और व्यवसायी गौरव बुधिया के साथ मिलकर बिजली विभाग में टैरिफ का खेल किया। जब खबर चली तो उसके बाद फिर अब इस खबर पर संज्ञान भी लिया जा रहा है और राजनीतिक हलकों को ये एक मुद्दा भी मिल गया है। इसी कड़ी में कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य कार्यालय में धरने के माध्यम से राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने रघुवर सरकार के संरक्षण में पूर्व के ऊर्जा सचिव के रिश्तेदार JBBNL के पूर्व अध्यक्ष अरविंद प्रसाद और रामगढ़ के बिहार फाउंड्री के मालिक गौरव बुधिया की साठगांठ से हर साल टैरिफ कम करने को लेकर करोड़ों रुपए के खेल पर कार्रवाई की मांग की। जी का रहने वाला है गौरव बुधिया, जो एजेंट का काम किया पैसा वसूली का, और अरबों रुपये के वसूली उसने किया, कई हजार करोड़। इससे सरकार को घाटा लगा, बिजली बोर्ड को भी घाटा लगा। भुवनेश्वर प्रसाद ने कहा कि ये खेल करोड़ों का था और जब करोड़ों का है तो कई कारखानों पर इसका असर पड़ा। धरने के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री से उन्होंने ये मांग की कि इस मामले की CBI जांच हो और गौरव बुधिया को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। वो कई हजार करोड़ का घोटाले का है और इसलिए इसकी जाँच आप CBI से कराए। एक बार फिर यह साबित हो गया कि झारखंड की आवाज न्यूज 11 भारत ही है। सबसे पहले न्यूज 11 भारत ने ही भ्रष्टाचार के इस खेल से पर्दा उठाया था और आगे भी हमारा वादा है कि भ्रष्टाचार के तमाम पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे, क्योंकि जो सच है वो दिखेगा। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए अंकुर सिन्हा की रिपोर्ट।